यूपी के सियासी जंग में आधे से ज्यादा लड़ाई पूरी हो चुकी है। 2017 के असेंबली इंतखाब में बीजेपी इत्तेहाद ने शानदार मुजाहिरा करते हुए 60 में से 52 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें 2 सीटें अपना दल एस की शामिल है, जबकि समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 1 और 2 आजाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किन अजला में 5वें मरहले में वोट डाले जाएंगे। श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज। 5वें मरहले में खास बात है कि श्रीराम के जाय पैदाइश अयोध्या से लेकर उनकी कर्म भूमि चित्रकूट और प्रयागराज में भी वोटिंग होगी। बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि 2017 में उसने अयोध्या की सभी 5 सीटों पर कमल खिलाया था। भगवान राम ने वनवास के करीब 11 साल चित्रकूट में गुजारे। यहां 2017 में बीजेपी ने 2 सीटों पर कब्जा किया। अयोध्या में शानदार राम मंदिर तामीर जारी, इसका फायदा भी बीजेपी को मिलने का इम्कान जताया जा रहा है। वहीं प्रयागराज जिले के 12 असेंबली सीटों में से 9 सीटों पर भगवा परचम लहराया था, जबकि प्रयागराज में समाजवादी पार्टी को 1 और बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। उधर अरसे तक कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी की 4 असेंबली सीटों में भी 2017 में 3 पर बीजेपी ने करिश्मा दिखाया। वहीं अगले मरहले में अपना दल के बानी सोनेलाल पटेल के कुनबे में चल रहे सियासी वजूद की जंग का इम्तिहान भी होगा। अपना दल एस की क्यादत कर रही सोनेलाल पटेल की बेटी और मरकजी वजीर मम्लिकत अनुप्रिया पटेल को बीजेपी ने 17 सीटें दी हैं। उनके 5वें मरहले में 7 उम्मीदवार हैं। वही सोनेलाल पटेल की अहलिया कृष्णा पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की सदर है, वो समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद में है और खुद प्रतापगढ़ सदर सीट से इंतखाबी मैदान में है। वही उनकी छोटी बेटी पल्लवी पटेल सपा के सिंबल से नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू से मैदान में है। अगर बात करें दाखिल उम्मीदवारों की तो एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 5वें मरहले में कुल 27% यानी 185 उम्मीदवार मुजरिमाना शबी वाले हैं। इनमें भी 141 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर तश्वीशनाक इल्जामात हैं।